G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख जब भारत के दौरे पर थे तब राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन भी पहुंचे। तब वहां कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर खुद तुर्की के राष्ट्रपति भी हैरान रह गए। G20 को लेकर भारत ने पीएम मोदी के लिए ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया था कि बिना भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। जी हां, दरअसल जैसे ही तुर्की के राष्ट्रपति वहां पहुंचे तो भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति के साथ जा रहे सुरक्षा गार्डों को रोक दिया। उनके पास नीले रंग का एक बैग था जिसे देखकर थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने तुर्की के इन सुरक्षा अधिकारियों को वहीं पर रोक दिया। आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपको तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन दिखाई देंगे। वीडियो में जो कुछ हुआ वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। G20 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख के साथ एर्दोगन भी महात्मा गांधी की समाधि पर गए थे, लेकिन वहां क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता था। दरअसल एर्दोगन अपनी सिक्योरिटी के साथ गांधी समाधि की ओर जाने लगे, जहां पीएम मोदी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। G20 में सभी काम बिना सुरक्षा एजेंसी के नहीं हो रहे थे, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर से कोई नहीं बच सकता था। ऐसे में एर्दोगन की सिक्योरिटी में साथ आए अधिकारियों पर भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की नजर पड़ गई। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ आए अधिकारी के हाथ में नीला बैग दिखाई दिया तो तुरंत भारतीय सुरक्षा अधिकारी हरकत में आ गए और एर्दोगन के पीछे चल रहे सिक्योरिटी टीम को भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने वहीं पर रोक दिया। तब तक राष्ट्रपति एर्दोगन आगे चलते रहे और उन्हें नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है। पीछे भारतीय सुरक्षा अधिकारी उस नीले बैग की तलाशी लेने में जुट गए, लेकिन तभी एर्दोगन के साथ चल रही महिला ट्रांसलेटर ने पीछे मुड़कर देखा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ आए लोगों की तलाशी ले रहे हैं। तभी उस महिला ने कहा कि उस बैग में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जरूरी सामान है। तसल्ली करने के बाद भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने वो बैग महिला ट्रांसलेटर को दे दिया, लेकिन बाकी लोगों को पीछे ही रोक दिया। बैग को लेकर महिला एर्दोगन के पीछे तेजी से दौड़ी, लेकिन भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने उस महिला ट्रांसलेटर को भी रोक दिया और आगे जाने से मना करने लगे। तभी इसी बीच एर्दोगन की नजर उस पर पड़ी। तब चेकिंग के बाद महिला ट्रांसलेटर ने उस नीले बैग से कुछ सामान एर्दोगन को दिया। तब एर्दोगन पीएम मोदी से मिलने आगे गए, जहां उनका पीएम मोदी ने स्वागत किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी कितने चौकन्ने थे, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे।